हेलो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा होगा जो गुस्से में होते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब आपको गुस्सा आया होगा। अगर कोई अपने गुस्से पर काबू नहीं करता तो ये हाथ से निकल सकता है और समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे समय की सबसे महान कहानियों में से एक है महान व्यक्ति महात्मा गांधी। जब वो इतने क्रोधित थे कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने क्रोध को अहिंसा के सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया और हमारे देश के लिए कई अन्य लोगों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की। जय हिंद। मैं अब आपको रोहित गंगवाल की एक सरल सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। वो अपने आसपास के लोगों की संवेदनहीनता पर बहुत क्रोधित थे, जब एक पक्षी घायल हो गया और उनकी बाहों में मर गया। पूरे भारत में हर साल हजारों पक्षी और कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं पतंगबाजी उत्सव के दौरान। ये एक आदमी और उसकी एनजीओ की कहानी है, जो असहाय प्राणियों को बचाने और पुनर्वास करने और करुणा का संदेश फैलाने के लिए लड़ रहा था। ये 2006 में जयपुर का प्रसिद्ध पतंगबाजी उत्सव मकर संक्रांति था। 34 साल के रोहित गंगवाल के ठीक सामने एक घायल पक्षी गिर गया। उसने उस पक्षी को आश्रय स्थल में ले जाने के लिए उठाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पक्षी उनके हाथों में मर गया। इस घटना ने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि उसने उसे गुस्से में अंधा कर दिया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें बदलाव लाना है तो उन्हें अपने गुस्से को सही दिशा में लाना होगा और इसके बारे में कुछ करना होगा। इस घटना ने रोहित को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हर जनवरी महीने में घायल पक्षियों को बचाने के लिए एक संगठन बनाया, जिस महीने हर जगह पतंगबाजी का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के दौरान लोग आसमान में पतंग उड़ाने के लिए जिन नुकीले धागों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कारण हर साल हजारों पक्षी मर जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि यही वो समय है जब तुरंत मदद की जरूरत है। रोहित ने हमेशा यही कहा है। रोहित और उसके दोस्त त्योहार के दौरान गिरे हुए पक्षियों को खोजने के लिए सड़क पर निकलते थे। वे उनका इलाज करेंगे, खाना देंगे और उन्हें ठीक करेंगे, और फिर उन्हें वही छोड़ देंगे जहां वे मिले थे। धीरे धीरे इस काम पर दूसरों की नजर पड़ी और उन्हें साल भर पक्षियों के बचाव के संबंध में आपातकालीन कॉल आने लगे। इसलिए रोहित ने घायल पक्षियों और सरीसृपों को बचाने और पुनर्वास के लिए रक्षा नामक एक एनजीओ बनाने का फैसला किया। आज रक्षा टीम प्रतिदिन 2 या 3 पक्षियों को बचाती है। रोहित के पास अब 50 स्वयं सेवकों की एक टीम है, जो रक्षा के साथ मुफ्त में काम करते हैं। इस अद्भुत कहानी को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस क्रोधी व्यक्ति ने अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित किया और इसे सही तरीके से प्रसारित किया। स्कूल में तंग की गई 14 साल की लड़की का एक और प्रेरणादायक उदाहरण। उसने अपना सारा गुस्सा अन्याय के प्रति एक एंटी बुलिंग एप्लीकेशन विकसित करने में लगाया, जिसे 50 लाख का मूल्यांकन मिला शार्क टैंक इंडिया से। 14 साल की लड़की अनुष्का जॉली बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत भर के 20,000 से अधिक स्कूलों तक पहुंच चुकी हैं। अब सुनो वो कैसे शार्क टैंक इंडिया पहुंची और जजेस को प्रभावित किया। ये पिछले साल अक्टूबर था जब अनुष्का जॉली 14 वर्षीय गुरुग्राम से फिल्म सिटी मुंबई के स्टूडियो में चली गई, जहां पर शार्क पूरी तरह से उसकी पिच का इंतजार कर रहे थे। उन पलों को याद करते हुए नवीं कक्षा की छात्रा का कहना है कि कमरे में कदम रखने से पहले उसे जो घबराहट महसूस हुई थी, जैसे ही उसे अपने प्रोजेक्ट में जजों की दिलचस्पी का एहसास हुआ, वो गायब हो गई। उसने जो पिच दी वो कवच नामक एप्लीकेशन पर केंद्रित थी। वो बताती है कि इससे छात्रों और अभिभावकों के लिए स्कूलों में बुलिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने और उन्हें जल्द से जल्द संबोधित करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उस दिन अनुष्का न केवल 50 लाख के मूल्यांकन के साथ उस कमरे से बाहर निकली, बल्कि उनका कहना है कि उन्होंने एक अद्भुत नेटवर्क बनाया, जिसने आने वाले महीनों में उन्हें अच्छी स्थिति में बनाए रखा।
जब वो पाथवे स्कूल में अपने सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम में व्यस्त नहीं होती हैं, तो वो भारत भर में छात्रों को सत्र देने और बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और बाकी का समय वो कवच पर ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर उससे पूछे कि वो जो करती है वो क्यों करती है, उसके पास जवाब तैयार है, उसका निजी अनुभव। बुलिंग से निपटने के लिए एक प्रणाली बनाने का विचार उससे गुस्से में आया जो अनुष्का को बहुत कम उम्र में महसूस हुआ था। अनुष्का बताती है कि जब वो तीसरी कक्षा में थी तब उसके सबसे करीबी दोस्तों ने ही उसे बुलिंग किया था। इसकी शुरुआत छोटे लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से हुई। दोपहर के खाने के बाद मुझे जबरदस्ती उनकी प्लेट साफ करना पड़ता था। मेरे अपरंपरागत लुक, जिज्ञासु स्वभाव और सिर्फ अलग होने के लिए मजाक उड़ाया गया। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। निर्दयता के इन कृत्यों के बाद अक्सर उसके मन में क्रोध, निराशा और उदासी की लहरें उठती थी और अनुष्का के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। जब उसका मासूम मन समझ नहीं पाया कि वो इन भावनाओं को आखिर क्यों महसूस कर रही है, तो उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वे हमेशा उससे किसी भी परेशानी के लिए उनके पास आने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसलिए जब उसने स्कूल में होने वाली इन घटनाओं के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत अनुष्का को बुलिंग के ज्ञात तथ्यों के बारे में सचेत किया। फिर उसके परिवार ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन स्कूल में जब बच्चों ने नाश्ते के बाद अनुष्का से अपनी प्लेटें साफ करने को कहा, तो वो उनकी बात मान गई। लेकिन सिंह की ओर जाते हुए वो रुक गई। वो सिंह के पास रुकी, उनकी आंखों में देखा और कहा कि चलो अब से अपनी अपनी प्लेटें साफ करें। इस जवाब को सुनकर सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जब बुलिंग बंद हो गई, अनुष्का के मन में जो अप्राप्य और भारी गुस्सा था वो कम नहीं हुआ। समय के साथ इसका परिणाम कवच एंटी बुलिंग नामक एप्लीकेशन में हुई, जिसने उन्हें बिजनेस रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला शार्क टैंक के सेट पर पहुंचा दिया। बुलिंग की घटना के बाद अनुष्का ने अन्य छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करने और इस विषय के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया। कक्षा 5 में उसने भारत भर के स्कूलों का दौरा करना शुरू किया और बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर सत्र आयोजित किए। आज वह तमिलनाडु, दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र में फैले 20,000 स्कूलों तक पहुँच चुकी है। इसलिए बच्चों, अपने गुस्से का सही तरीके से इस्तेमाल करो, जिससे समाज में सही बदलाव आ सके। हमें सही समय पर अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए और हमेशा शांत रहना चाहिए। आप सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद।